काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश व रीवा संभाग के कमिश्नर पीएस जामोद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कामों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान कमिश्नर के द्वारा अधिकारियों का निर्देश देकर कहा गया है कि शासन के द्वारा कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है और ये वजह से तमाम कार्यालय सुबह 10 बजे खुला सुनिश्चित किए जाए। जबकि संभाग के कलेक्टर हर शुक्रवार का फोन पर जन समस्या की सुनवाई करी। मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत का प्रणाम कही थी, शुरू कही थी। बड़ी खबर से बता दी कि कलेक्टर और अन्य अधिकारी के नियमित रूप से निरीक्षण करे के खातिर निर्धारित समय पर कार्यालय खुले का कारगर बनावे खातिर निर्देश जारी किए गए। अस्पताल में बायोमेट्रिक उपस्थिति और कार्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मॉनिटरिंग करे के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन के मुख्य उद्देश्य विकास योजना के क्रियान्वयन और जन कल्याण है। आम जनता की कठिनाई का दूर करे के खातिर प्रभावी व्यवस्था करे के निर्देश जारी किए गए। जबकि जन सुनवाई के साथ साथ कलेक्टर प्रत्येक शर्मा शुक्रवार के दिन सुबह 11 से 12 बजे तक मोबाइल फोन पर गलाए आम जनता की समस्या सुन के निराकरण करा। कमिश्नर के द्वारा निर्देश दिन का है कि सुशासन का ग्राम पंचायत स्तर तक सुदृढ़ करा। शासन के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हुई तब सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अपने आप घट जाएंगे। कमिश्नर के द्वारा निर्देश दिन का है कि कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरण में से 50% के 30 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करवाओ। बैठक में कमिश्नर के द्वारा स्कूल चले हम अभियान की समीक्षा करके शाला जाए योग्य बच्चा के शाला में प्रवेश करे सुनिश्चित करे की बात कही गई। शाला में बच्चन के प्रवेश की स्थिति संतोषजनक न हो के कारण के कलेक्टर नियमित रूप से समीक्षा करा। जबकि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार खातिर प्रयास किए जाए। निराश्रित और आवारा पशु का गौशाला में भेजे के खातिर प्रबंध करके निर्देश जारी किए गए हैं। जबकि अधूरी गौशाला के निर्माण करवाए के संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कमिश्नर के द्वारा कहा गया है कि पूरे संभाग में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किए जा रहा है। शिक्षण संस्था और कार्यालय के परिसर में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करवाओ सुनिश्चित किए जाए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत।